Welcome back to another weekly P&L video. This video will be about the P&L of the first week of August, and we will be discussing every single day what really happened. Also, I made my highest booked profit in a day in this week. So I will be explaining how the strategy made that kind of money and what were the key points in that strategy that I personally observed that made such kind of money. So let's quickly go to the console here and disregard this. It was a Fin Nifty expiry today, so it's today's profit, as you can see here, 13th of August. We will be talking in depth about it in the very next weekly video, but abhi ke liye, let's go on to the reports here. Futures and options combined 1st of August till 10th. Abhi jo Thursday, Friday, ye bhi include kar raha hu, because of course you cannot keep it in like 2 weeks, so this is like 2 expiry. So I mean, I'm gonna include the Thursday and Friday as well. Somewhere around 2.07 lakhs that we have booked on this in this very week, and 1.96 is the gross. This somewhere stands around, I would say, more than 4%. Theek hai, about 45 lakhs ka margin mein isme, 45 lakhs ka hisab se position sizing mein isme deploy kar raha tha. इस वीक से अब मेरा पोजीशन साइजिंग फ्रॉम 45 लाख्स टू 50 लाख्स हो गया. अगेन उसके बारे में हम अगले वीकली पीएनएल वीडियो में बात करेंगे, बट लेट्स गो एंड सी व्हाट रियली हैपेंड ऑन ईच एक्सपायरी. दिस वाज 1st ऑफ अगस्त. आई थिंक दिस वाज निफ्टी एक्सपायरी. वी मेड समवेयर अराउंड 720 बक्स. आई एम श्योर आफ्टर ब्रोकरेज एंड एवरीथिंग इट वुड मीन ऑब्सोलीट. सेंसेक्स एक्सपायरी वी मेड 36.5 के. नाउ लेट्स गो सी व्हाट रियली हैपेंड ऑन Sensex on that day. So as I expected, the day was pretty silent, I would say. Morning entries ki jo yahan pe jitni entries ho rahi thi, in this chaos jo ye call put spike ho rahi thi, isme I lost a little bit of cred. Isme thoda sa loss hua tha, because you see jo ye teen candles ban rahi hain, isme pehle call spike hui fir put spike hui, to dono ke SLs ja rahe the. But at this point of time jo deployment ho rahi thi hamari strategies ki, इट गेव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ डिके. एंड अगेन यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा आई थिंक पुट साइड का भी एस एल वेंट अवे, एंड ऑल द आफ्टरनून स्ट्रैटेजी विच वी डिप्लॉयड ऑफ कोर्स पुट एस एल्स वर गॉन, एंड कॉल्स गेव अ डिसेंट मनी. लास्ट की हमारी एक या दो स्ट्रैटेजीज होती हैं, उसमें हमारा कोई एस एल नहीं गया था, बिकॉज प्रीटी मच आई वुड से एवरेजिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इतना ज़्यादा प्रीमियम स्पाइक नहीं होता, तो हमने दोनों साइड से पैसे कमा लिए थे. एंड सो ओवरऑल इसका जो आउटकम था हमारा सारा एग्रीगेशन वो समवेयर अराउंड 36.5 के. नेक्स्ट वॉज 5th ऑफ अगस्त, बैंकेक्स एक्सपायरी. एज यू वुड नो, बैंकेक्स में मेरे कुछ रिकरिंग लॉसेज हो रहे थे, तो मैंने बैंकेक्स उस दिन नहीं ट्रेड किया था. बैंकेक्स वी डिसाइडेड टू टेक अ यू नो मिस, बिकॉज वी वॉन्टेड टू इम्प्रूव आर सिस्टम अ लिटिल बिट मोर. सो बैंकेक्स आई डिड नॉट ट्रेड दैट डे. आई थिंक उस दिन बैंकेक्स में कुछ पैसे बने थे, आई वुड से नो, उस दिन शायद लॉस था, बैंकेक्स में लॉस था. तो बट एनी विच वेज, आई एम ग्लैड आई स्किप्ड इट. बैंकेक्स के सिस्टम को थोड़ा सा मैं और प्रोमिनेंट करके प्रोबेबली नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई विल बी ट्रेडिंग बैंकेक्स. नेक्स्ट वॉज एफ एन एफ, 10.3 के वी मेड इन एफ एन एफ. ठीक है, लेट्स गो एंड सी वॉट रियली हैपन्ड ऑन 6th ऑफ अगस्त इन एफ एन एफ. Here we go. Okay, expected 10K. So quite the trending date was. I'm pretty sure क्या हुआ होगा उस दिन. 6th of August को I was traveling back to India, तो मैं इतना ज़्यादा carefully observe नहीं कर पाया था. But what I saw was सुबह के सारे puts के SL चले गए थे, जाने ही थे. और जो इस point of time पे था, हमने कुछ पैसे कमाए इस point of time पे, because क्योंकि जो इस point of time पे strategies deploy हुई थी, उन्होंने अच्छा एक हमारा आई वुड से वैल्यू लूज कर दी होगी. आई एम प्रीटी श्योर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे जितनी भी हमारी एंट्रीज होगी सबके पुट्स कैसे गए होंगे, सिर्फ कॉल ने पैसा दिया होगा. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़े बहुत पुट्स कैसे जा सकते हैं, बट नॉट ऑल आई वुड से, बिकॉज एज द डे गोज बाय इफेक्ट ऑफ पुट स्पाइकिंग ऑफ कोर्स द टाइम टू एक्सपायरेशन बिकम्स लेस देन द कॉज द स्पाइक इज लाइक द स्पाइक्स बिकम अ लिटिल. ऑफ कोर्स गामा इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, बट आई वुड से दैट स्पाइक्स आर लिटिल मैनेजेबल, बारिंग द गामा इफेक्ट ऑफ कोर्स. एंड देन जो हमारी लास्ट की एंट्रीज थी, यहाँ पे डेफिनेटली पुट्स के हमारे एस एल गए थे, कॉल्स ने अच्छा पैसा दिया था. और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारी एंट्रीज थी, उसमें हमने एक अच्छा न्यूट्रल बोथ पुट एंड बोथ कॉल से पैसा कमा लिया था. सो ओवरऑल उसका जो एग्रीगेशन था, इट केम समवेयर अराउंड 10.3 के. अगेन आई कुडंट मॉनिटर दिस डे. एल्गो टेस्ट में इसकी हिस्ट्री में जाके आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल ट्रेड्स में क्या हुआ था. प्रोबेबली व्हेन आई स्टडी दैट, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट ओवर द मंथली पीएनएल, जब मैं मंथ का पीएनएल डालूंगा. नेक्स्ट डे वाज द बैंक निफ्टी एक्सपायरी, -20 के वी मेड ऑन दैट एक्सपायरी. नाउ लेट्स गो सी व्हाट रियली हैपेंड ऑन 7th ऑफ अगस्त.
इन बैंक निफ्टी. या इट वाज क्वाइट अ चॉपी डे. ऐसे टाइम पे ना टीबीएस के गाइस लगते ही हैं बिकॉज यू सी कॉल्स के पुट्स के, यहाँ पे सारे पुट्स के असल चले गए होंगे एंड उसके बाद में ये कैंडल्स पे जो हमारी डोजी डोजी कैंडल्स बन रही हैं यहाँ पे सारे कॉल्स के चले होंगे. एंड अगेन दीज वर मैनी डोजी कैंडल्स, सो इट बिकम्स फॉर वेरी काइंड ऑफ हार्ड फॉर एनी नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर टू मेक एनी मनी आउट ऑफ एनी थिंग. इट्स लाइक पिग्स गेट स्लॉटेड, सो वी वर गेटिंग स्लॉटेड बचर्ड फ्रॉम लेफ्ट राइट सेंटर फ्रॉम बोथ साइड्स. तो हम प्रीटी श्योर यहाँ पे भी कॉल स्पाइक हुई होगी, तो हमारा इसकी वजह से भी, बिकॉज टू द बेस्ट ऑफ माई मेमरी यहाँ पे 245 तक आई थिंक मैं एक 10-12 हज़ार के प्रॉफिट में बैठा था. प्रॉबेबली आफ्टर दिस कॉल स्पाइक ही मेरा लॉस हुआ था. आई थिंक दैट्स इफ आई रिमेंबर द MTM ग्राफ, इट वॉज समथिंग लाइक दैट. प्रॉबली आई वुड से मैक्सिमम 20K तक भी मैं इस दिन गया था. इट्स जस्ट दिस कॉल स्पाइक kind of led me into the negative territory. Next was Nifty. Oh, 48K. Now let's go see what really happened in Nifty on 8th of August. Nifty mein, as you would know, not quite sideways, but Nifty mein, as you would know, most of my entries are after 12. And jo pehli kuch entries hoti hai, usme SLs chote hoti hai. So that is primarily to capture the trend. And that is what favored for me. Theek hai? यहाँ पे सारे एसएल चले गए, ठीक है, पुट्स के जितनी भी स्ट्रैटेजीज थी, तो सिंस एसएल्स वर स्मॉलर आई कुड रियली मोनेटाइज फ्रॉम द अदर पार्ट दैट वाज द कॉल साइड. लाइक आई कुड क्रेडिट कलेक्ट लाइक 50-60% ऑफ द डीके थीटा सॉरी डेल्टा देयर, सो आई कुड मेक अ लिटिल मनी आउट ऑफ दैट. एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ये साइडवेज मार्केट रह गई, दिस वॉज द टाइम वेयर एंटायर आई वुड से 60-70% मनी केम फ्रॉम. सो अगेन सी यू सी आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन कंपार्टमेंटलाइजिंग योर कैपिटल इनटू वेरियस एंट्रीज. जितने भी मैंने TBS की वीडियोस डाली है, अब एक और नई TBS की मैं एजुकेशनल वीडियो डालूंगा प्रॉबली बाय नेक्स्ट वीक, इन विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग अ मॉडिफाइड, इवन मोर करेक्टली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ TBS विच काइंड ऑफ आई हैव यू नो आई हैव बीन डूइंग दीज डेज. तो वो थोड़ा सा और उसका भी यू नो आई वुड से ट्विक्ड अप वर्जन है, तो मैं पहले यूज़ करता हूँ जो मैंने पहले वीडियोज डाली है. सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ब्रेस अप फॉर दैट वीडियो बिकॉज यू विल नो फर्स्ट हैंड इफ यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल व्हेन आई अपलोड दैट वीडियो. And watch this video till end because हम जो अभी Sensex expiry discuss करेंगे, that was the highest profit made, highest profit I ever booked in a single day. Now let's go address the elephant in this room. Okay, 9th of August, 1.31 lakhs. Now this has been the highest profit for me, somewhere around 2.6-2.7% on the entire capital. Now let's go see what really happened on 9th of August in Sensex and let's in depth understand this. Here we go, 9th of August. Somewhere around 10-ish are my, you know, entry timings. ठीक है, यहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ 10 बजे. ये पुट स्पाइक आई थी, सिर्फ मेरा मात्र एक पुट का SL गया था, उसके बाद में जितने मेरे स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल डिप्लॉय हुए, किसी का भी SL नहीं गया. एंड प्रोवाइडेड द वेक्स बिफोर दैट एक्सपायरी वॉज समवेयर अराउंड 16-17-ish. उस दिन आई थिंक 7-8% का वेक्स ड्रॉप था. Now, how and why do TBS performs kind of very nice on these days? Higher wicks, which means market is anticipating a bigger move on the outside. When there's a higher wicks and there's no movement, the premium decay is linear and the rate of decay is also higher. And of course, the premium jo aapke 300-400 rupees pe khul rahe hote hain, wo eventually zero pe to jaani hai, barring koi movement nahi hoti. And koi movement nahi hoi. And the pricing I was shorting, the premiums I was shorting earlier in the day were so high that probably by the time it was 11, I was already sitting on 1.5%. And उसके बाद में प्रीमियम ज़्यादा बचा नहीं था 2 बजे के बाद, बट स्टिल जो बचा था उससे 30-40 हज़ार रुपये मिले, सो हमने 1.31 लाख पे क्लोज किया. सो अगर आप लॉसेज फेस कर रहे हैं ड्यू टू हाई विक्स, अपनी स्ट्रैटेजी में टिके रहे हैं बिकॉज वेन द विक्स कम्स डाउन, ऑफकोर्स जब विक्स ऊपर जाएगी तो वो नीचे भी आएगी ना, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. दैट इज द टाइम यू विल बी मैक्सिमाइजिंग ऑन प्रॉफिट एंड दैट इज द टाइम यू विल बी आई वुड से you know, neutralizing all your losses which you made in the high VIX times. So, I would say sticking to your own system, sticking to your bread and butter. You see, one thing that really helped my psychology was I stopped putting an expectation or target like a percentage-wise ki itna paisa maine kamana hai, itne percentage kamana hai. Mera target hota hai ki main har din subah uthunga, like thoroughly and I would say रिलीजियसली अपनी एक ही बनाई स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगा, ना कि उसको चेंज करूंगा. इंटायर कोर्स ऑफ माई 21 डे ट्रिप इन यूरोप आई वॉज एवरी सिंगल डे वेकिंग अप रिगार्डलेस ऑफ द टाइम आवर्स. ठीक है, सुबह उठता था, सारी स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करता था एंड उसको थॉरली, इतना थॉरली तो नहीं बट मैनेज, हर एक घंटे बाद में खोल के देखता था क्या हो रहा है. एंड आफ्टर द डे आई वुड गो सी वॉट रियली हैपन. माई एंटायर पॉइंट बिहाइंड दिस डिस्कशन इज की
when you do not, you know, probably look at the outcome or something, look at the result of it, when you start paying attention to the cause, this is where stable start to turn in your favor. So आपका ये point होना चाहिए, मैंने एक strategy बनाई है, क्या वो logical है? बिल्कुल logical है. अगर वो logical है तो उसको religiously उस पर stick कीजिए. No doubt it is suffering for a few months, let it suffer. If your logic is right, if you're confident about it, one damn day it'll pay off. So this is what happened with me in these kind of strategies, because मेरा भी एक drawdown का phase आया था, जो मेरा December January का phase था, that was a drawdown of phase. मेरा May का बहुत गंदा phase था. आई मीन लाइक 1-3-4% के drawdown में गया होता, बट -1% मैंने वो मंथ क्लोज किया था. सो मेरे भी ऐसे कुछ phases थे, सबके आते हैं, सब traders के आते हैं. You need to keep your morale straight, you need to religiously stick with what you have made and what you're doing. And with that said, this was the weekly P&L video about. I'll see you in the next one. Bye-bye.